हेलो बच्चों, आज हम पॉलीनोमियल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, वहां हमने देखा कि व्हाट इज पॉलीनोमियल, फिर हमने उसके बाद डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल भी देख लिया। उसी के बेस पे हमने लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल भी देखे। उसके बाद हमने जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल देखा, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल भी देख लिया। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस और कॉफिशेंट के बीच के का रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं। क्या होता है बच्चों जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल? एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उसी को जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उस वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। और कॉफिशेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? ये पॉलिनोमियल है, ये इसका कॉफिशेंट है। ठीक है, हम सबसे पहले बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की आपको पता है जनरल जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ए कभी जीरो नहीं होता। मैंने बताया था आपको जो टर्म डिग्री डिफाइन कर रही है, ये टर्म डिग्री डिफाइन कर रही है, उसका कॉफिशेंट कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये जनरल टर्म है। तो बच्चों हमें पता है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है, इक्वल टू जीरो। यहां से हमने इसका जीरोज निकाला या एक्स की वैल्यू निकाल ली जो कि इसका जीरोज कहलाएगा, वो कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ ए। क्या है आपका, कॉफिशेंट ऑफ एक्स है और बी आपका कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब हमें जो जीरोज मिल रहा है वो किस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके देखते हैं इसको। मान लीजिए 7x+9 है, हमें इसका जीरोज निकालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे। अभी आपने देखा माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है हमारी, 9 है, अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स कितना, 7। इस तरीके से हमें जीरोज ऑफ ए जीरोज मिल गया, इसका पॉलिनोमियल। एक और देख लेते हैं, चलिए इसी में साइन चेंज करके। मान लीजिए 7x-9 है, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म। बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, प्लस 9 है कि माइनस 9 है? देखो बच्चों कभी कंपेयर करना होता है तो हम जनरल टर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल टर्म तो ए एक्स प्लस बी है, इट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7x-9 को हम लिख सकते हैं 7x+-9। इसका मतलब बच्चों कॉन्स्टेंट टर्म इस बार प्लस 9 नहीं है, इस बार माइनस 9 है। तो इसलिए यहां से जीरोस क्या आएगा, x=-9 यहाँ आ जाएगा और अपॉन में 7। कोफिशियंट ऑफ x आपका 7 है, तो यहां से जीरोस कितना निकल गया आपका, 9/7। ठीक है बच्चों, लीनियर पॉलीनोमियल के बाद हम सेकंड देखते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल इक्वेशन देखो बच्चों क्या होता है, ax2 bx+c। और आपको पता है a जीरो नहीं होता क्योंकि डिग्री डिफाइन करता है x2 वाली टर्म। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री 2 है। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था जितने भी डिग्री होती है, जो जीरोज होते हैं मैक्सिमम उतने हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं या ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने मान लिए इसके 2 जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशनशिप बना के देखते हैं बच्चों। बच्चों देखो यहाँ अगर 2 जीरोज हैं तो हम अल्फा एंड बीटा से शो कर रहे हैं। किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीरोज आए, तो वहां अल्फा और बीटा हम ये मान लेंगे कि एक ही है। ठीक है, पहले हम रिलेशनशिप डिफाइन करके देखते हैं। पहला रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस का है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है बच्चों, यहां देखो बी वाली टर्म क्या है, वो कॉफिशियंट ऑफ एक्स है, ए क्या है आपका, कॉफिशियंट ऑफ x2 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का क्या रिलेशन है कॉफिशियंट के साथ, कि वो माइनस ऑफ बी बाई ए होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का देखते हैं क्या रिलेशनशिप है, अल्फा बीटा हमारे 2 जीरोस है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। सी क्या है आप देखिए, कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी। ठीक है, और ए क्या है, कॉफिशियंट ऑफ x2 है।
ठीक है। तो दो ये दो रिलेशंस हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन होंगे। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसका सेकंड पार्ट ले, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमें जीरोज निकालने हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। हमने पहला एग्जांपल ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता होगा, एट क्लास में नाइन क्लास में दोनों में सीख रखा है आपने। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस टू एक्स के फैक्टर करें इधर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ माइनस टू एक्स के लिए, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस एट इक्वल टू जीरो, इन दोनों का कॉमन निकाल लिया मैंने, देख लीजिए एक्स आ गया एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर आ गया। यहाँ से कॉमन निकालने के बाद दो फैक्टर क्या बन रहे हैं हमारे, एक्स माइनस फोर बन रहा है, एक्स प्लस टू बन रहा है इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमने एक्स जीरोज निकाल लिया दोनों के, एक यहाँ से एक्स कितना आया फोर आया, यहाँ से एक्स कितना आ गया माइनस टू आ गया। एक्स इक्वल टू फोर जो आया बच्चों उसको हमने अल्फा मान लिया, और एक्स इक्वल टू माइनस टू जो जो दूसरा जीरोज मिला उसको हमने बीटा मान लिया। इसका मतलब हमें दोनों जीरोज मिल गए, तो इट मीन्स कभी क्वाड्रेटिक मिले तो पहले आपको दोनों जीरोज निकालने होंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। तो जीरोज तो निकाल लिया हमने, अब हमें क्या करना है इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। करते हैं वेरीफाई। पहला रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोज का है, तो दोनों जीरोज को हमने सम किया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आ रहा था हमारा फोर है, प्लस बीटा कितना आ रहा हमारा माइनस टू, दोनों को ऐड करा कितना आ गया टू, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखते हैं माइनस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चों कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, इस इक्वेशन में देखो कॉफिशियंट ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे प्लस का टू आएगा कि माइनस का टू आएगा। अगर हम जनरल टर्म से इसको डिफाइन करेंगे, जनरल इक्वेशन से, तो आपको पता है यहाँ क्या आने वाला है, माइनस में आएगा। तो यहाँ से माइनस ले लिया हमने, माइनस ऑफ माइनस का रहते गया वो प्लस हो गया वन में। नीचे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने देख लिया था, यहाँ इसका कॉफिशियंट कितना है वन है, वन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हमने वेरीफाई करा तो ये भी दो आ रहा है और ये भी दो आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों वेरीफाई हो गए आपस में, ठीक है। अब दूसरा रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, सी बाई ए, यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले अल्फा इंटू बीटा करते हैं, फोर इंटू माइनस टू, अल्फा फोर है हमारा, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा माइनस एट आ गया, अपॉन में क्या है ये कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, प्लस एट है माइनस एट है, फिर से जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, प्लस सी है तो आपको पता है यहाँ पे माइनस माइनस एट हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिफाइन कर, डिवाइड करा वन है, कर दिया माइनस एट आ गया, दोनों ही चीज क्या हो गई इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक है। बच्चों सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। मतलब पहले पॉलिनोमियल थी, हमें सम ऑफ जीरोज निकालने थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उनको वेरीफाई करना था, यहाँ क्या करना है उल्टा करना है, ठीक है। क्या दे रखा है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट में हमने देखा वन बाई फोर और माइनस वन दे रखा है। वन बाई फोर क्या है आपका सम ऑफ जीरोज है, और माइनस वन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। करते हैं इसको कैसे करेंगे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज बी। हमने इसके दोनों जीरोज क्या मान लिया, हमने अल्फा और बीटा मान लिया, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, सम ऑफ जीरोज कितना है वन बाई फोर, ठीक है। और सम ऑफ जीरोज तो बच्चों हमें पता है क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, बी क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स और ए क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस ऑफ बी बाई ए, इसका मतलब इसकी माइनस ऑफ बी बाई ए की वैल्यू कितनी हो गई वन बाई फोर हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें कितना दे रखा है माइनस वन, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है माइनस वन, यानी सी बाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें माइनस वन दे रखी है। अब बच्चों हमारे पास ए बी और सी, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल्स के कॉफिशियंट है वो तो है नहीं हमारे पास पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो कैसे बनाए, यहां से तो दो इक्वेशंस हैं, वेरिएबल तीन है, कैसे बनेंगे। तो हम क्या करते हैं किसी एक को कुछ मान लेते हैं, तो हमने क्या करा एक ए को वन मान लिया, ए को वन मान लिया, आप लोग भी सभी क्वेश्चन में ए को वन मान लीजिएगा, इजी हो जाता है, ठीक।
ए को वन मान लिया, ए को जैसी वन मान लिया बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों देखो, यहाँ वन रखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, उधर चला जाएगा माइनस ऑफ वन बाई फोर हो जाएगा। सी की वैल्यू देखो वन रखते ही सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। इसका मतलब जैसे हमने ए की वैल्यू वन रखी तो हमें बी की वैल्यू भी मिल गई और सी की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, इधर आते हैं। अगर ए बी सी और तीनों की वैल्यू मिल गई तो हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं बच्चों। ए की जगह वन रख दिया हमने, ठीक है, ए की जगह वन रख दिया, बी की जगह हमने क्या रखा है माइनस ऑफ वन बाई फोर। देखो माइनस फोर है, यहाँ पे वन है, वन तो हम लिखते नहीं है कोफिशियंट में, ठीक है, इसलिए हटा रखा है। तो माइनस वन बाई फोर है ये, और सी कितना है हमारा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इक्वेशन के रूप में ले रखा है। ठीक है, यहाँ से हमने एलसीएम लिया फोर आया, ठीक है, इसको सॉल्व करा फोर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। आपको पता है ये फोर उधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो बन गई, ये इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या बना हमारा, ये वाला पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, तो यहां से देखो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर ये क्या है, एक प्रकार का इज वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स द कंडीशन। हमने जो भी कंडीशन अप्लाई करी उस पर हमें क्या मिल गया, एक फाइनली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, बट बच्चों एक चीज बताओ, एक चीज देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे जब कंडीशन फिट करी हमने स्टार्टिंग कैसे करी, ए की वैल्यू वन ले ली। अगर बच्चों हम ए की वैल्यू वन नहीं लेते कुछ और लेते, टू ले लेते या थ्री ले लेते, ए टू लेते ही बी कुछ और आ जाता सी कुछ और आ जाता। ठीक है, तो बी और सी कुछ और आ जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल भी कुछ और आ जाता, उसी के मल्टीपल्स में आ जाता। ठीक है, तो बच्चों ये एक कंडीशन है, सिर्फ उसका एक कंडीशन है जिससे ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से काफी सारी बन सकती हैं जो इसके मल्टीपल्स में हो सकती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, के टाइम्स ऑफ के टाइम्स क्या है बच्चों, अगर टू रख देंगे तो कुछ और बन जाएगा, इसका टू टाइम्स हो जाएगा थ्री टाइम्स हो जाएगा, इस तरीके से के टाइम्स ऑफ ये पॉलिनोमियल फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर ये सारी कंडीशंस पे फिट हो सकता है। के क्या है आपका, यहाँ पे एक रियल नंबर है। ठीक, थर्ड देखते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक हो गया, थर्ड देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, ठीक है, ये हमारी डिग्री डिफाइन वाली है टर्म है, इसका कोफिशिएंट ये जीरो नहीं होगा, वही चीज है फिर से। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बच्चों पता है आपको डिग्री तीन है, तो इसमें कितने जीरोज मिलेंगे, मैक्सिमम थ्री मिलेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज, इनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है आपका कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ देखो जीरोज है नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज उनका सम है ये, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या है इक्वल टू होता है इसके सी बाई ए। सी क्या है आपका बच्चों कॉफिशियंट ऑफ एक्स है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स है और ए क्या है कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक, यहां से देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में, अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक, ये किसके बराबर होता है माइनस डी बाई ए और डी क्या है आपका बच्चों माइनस लगाओ माइनस d क्या है आपका कॉन्स्टेंट टर्म है और a क्या है आपका कॉफिशियंट ऑफ x क्यूब है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, क्या कहता है, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशियंट्स। मतलब बच्चों आपको पहला काम क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि ये तीनों ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं, ये काम करना है पहले, इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जीरोज और कॉफिशियंट के बीच में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू को उस पर पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू को उस
पॉलिनोमियल पे पुट कर देते हैं, अगर वो जीरो आ जाता है उसका जीरोज है, तो हमने जैसे लिया इसमें से, इसमें थ्री को ले लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं ए बी सी डी निकाल लेते हैं इसके पॉलिनोमियल के, कंपेयर करते हैं तो हम पॉलिनोमियल की क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ से ए कितना आ गया हमारा थ्री, बी कितना आ रहा है बच्चों प्लस का फाइव नहीं आएगा माइनस का फाइव आएगा, पता जनरल टर्म से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, सी कितना आएगा ये प्लस है तो आ गया माइनस, तो माइनस इलेवन आ गया, डी कितना आ गया हमारा माइनस का थ्री आ गया, तो ए बी सी डी निकाल लिया हमने। अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये इसका जीरोस है कि नहीं, तो हमने क्या करा इस पॉलिनोमियल में हमने थ्री एक्स की जगह थ्री रख दिया, रखते ही देखो क्या है थ्री, ठीक है एक्स की पावर थ्री है, ठीक है थ्री की पावर थ्री हो गया माइनस फाइव थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू थ्री माइनस थ्री, सॉल्व करोगे बच्चों ठीक है ये 81 आ जाएगा, थ्री का क्यूब कितना आ जाएगा 27 इंटू थ्री 81 आ जाएगा, ये 9 इंटू फाइव 45 33 एंड माइनस थ्री, सॉल्व करोगे ठीक है जीरो आ जाएगा। तो जीरो आने का मतलब क्या है कि इस वैल्यू पे हमें जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका एक जीरो है। इसी प्रकार से माइनस वन रख लेना, इसी प्रकार से माइनस वन बाई थ्री रख लेना और सॉल्व करके देखना वो जीरो आ जाएगा, ठीक है वो मैंने स्टेप छोड़ दिया आप लोग खुद कर लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला रिलेशनशिप हमें पता है सम ऑफ जीरोस का है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन जीरोस है बच्चों, अल्फा हमने इसको मान लिया थ्री को, बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा मान लिया हमने इन सबको, ठीक है अल्फा बीटा गामा मान लिया, अल्फा की जगह थ्री रख दिया, गामा की जगह माइनस वन और सॉरी बीटा की जगह माइनस वन और गामा की जगह माइनस वन बाई थ्री रख दिया, ठीक है सॉल्व किया हमने एलसीएम लिया यहाँ से, थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया माइनस थ्री हो गया और ये माइनस वन, सॉल्व करा नाइन में से फोर गया फाइव बाई थ्री आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए होता है, अभी बताया था हमने माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है अभी आपने निकाला था, बी कितना है कंपेयर करने के बाद माइनस फाइव आया, अकाउंट में ए कितना है हमारा थ्री, क्या आ गया फाइव बाई थ्री, क्या दोनों चीजें वेरीफाई हो गई, हाँ हो गई, ठीक है ना। यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया बीटा और गामा की कर दिया, गामा और अल्फा की कर दिया, ठीक है सॉल्व किया हमने इसको, ये माइनस थ्री आ गया, ये यहाँ से प्लस वन बाई थ्री आ गया, ये माइनस वन आ गया, एलसीएम लिया हमने इसका, ठीक है सॉल्व किया नाइन आ गया, ये वन आ गया, ये माइनस थ्री आ गया, कितना आ गया माइनस इलेवन बाई थ्री सॉल्व करने के बाद आ गया। बच्चों एक चीज बताओ इसका क्या होता है, सी बाई ए होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है, सी बाई ए, सी कितना दे रखा है हमें माइनस इलेवन दे रखा है और ए कितना है थ्री दे रखा है, क्या दोनों इक्वल आ गए, आ गए, ये भी चीज वेरीफाई होगी बच्चों। लास्ट देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अल्फा बीटा एंड गामा का, तीनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने, किया कितना आ गया वन आ गया, ठीक है ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस डी बाई ए, माइनस ले लिया डी की वैल्यू हमने कितनी ली माइनस थ्री और ए कितना लिया थ्री, किया सॉल्व किया कितना आ गया हमारा वन आ गया, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है इसको आप खुद कीजिए, कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। और साथ ही बच्चों चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी लॉकडाउन में इन चीज़ों को पढ़ाई करें, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।